सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की तो अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर व्यंग भी कसे। कोरोना के अपडेट पर उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 12 मामले नए सामने आए हैं, जबकि 12 ठीक हुए, एक्टिव केस 90 बचे हैं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री बोले कि 4 दिसंबर को सरकार तंटिया मामा की जयंती पर पाताल पानी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगी। इसकी तैयारियों के लिए सीएम शिवराज ने सभी प्रभारी मंत्रियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम को लेकर 2 यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा 15 से 27 नवंबर को प्रारंभ होगी और दूसरी यात्रा सैलाना से निकलेगी। यह दोनों यात्राएं 3 दिसंबर को इंदौर पहुंचेंगी। इसके बाद 4 तारीख को पाताल पानी में अमृत महोत्सव में शामिल होंगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के ऐलान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल प्रदूषण खत्म नहीं कर पाए और अब पंजाब में प्रदूषण फैलाने जा रहे हैं। कमलनाथ के मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले बयान पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक व्यक्ति एक पद की बात कर रही हैं और कमलनाथ कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस हर चुनाव में कहती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हार जाने के बाद रटा रटाया जवाब देती है, कभी ईवीएम पर तो कभी शासन पर तो कभी पुलिस पर। आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। दस साल में न तो जमुना मैया को साफ कर पाए, न प्रदूषण दिल्ली का कम कर पाए, अब पंजाब पहुंच गए प्रदूषण फैलाने। पहले अकेले खांसते थे दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति दिल्ली की कर दी है। वो केजरीवाल के आश्वासनों पर कौन विश्वास करेगा। सीधा जुड़ाव रहता है हमारे नेताओं का, सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता से रहता है। कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी थोड़ी है कि जब प्रवासी पक्षी आएंगे तभी बैठक होगी। सर, कांग्रेस की तो आज से बैठकें चालू है सर, सही बदल महिला कांग्रेस तमाम 4 दिन तक बैठक रहेगी, कह रहे हैं कि 2023 की तैयारी कर रहे हैं। वो आप हमेशा तैयारी और उनके प्रवक्ताओं के बयान भी टीवी पर देखा करो। हर चुनाव जब आता है तब कहते हैं हम जीत रहे हैं, हारने के बाद कुछ नहीं कहते। हारने के बाद एक रटा रटा है, सकते बाहुबल का प्रयोग किया, धनबल का प्रयोग किया, ऐसे ही 23 में कहने वाले हैं वो। आप 28 सीटों का देख लो, अभी जो निपटे हैं 4 उपचुनाव, मतलब 8 विधानसभा, 1 लोकसभा में थी और 3 वो, ऐसे 11 विधानसभाओं में उनकी राय देख लो। ये हमेशा रटी रटाई बातें हैं और इसलिए चाहे वो अभी उनकी हार तय थी और 23 में भी हार तय है। अब लागू कर रहे हैं और बहुत जल्दी लागू होगी, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। सर, पहले 35 साल हो गए, क्या कारण ढूंढने तक तलाशी है? इतनी गहराई में न जाते हुए भविष्य अच्छा हो इसकी सोचेंगे, भूत को छोड़ देते हैं, भविष्य अच्छा हो ये सोचते हैं। दिल्ली की बात करी, तुलसी सिलावट जी भी हमारे साथ थे, इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने बात की है और उसमें गुणात्मक सुधार करेंगे। सर, 3 दिन की छुट्टी के बाद राजधानी भोपाल में 12 दफ्तर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में चोरी हुई और काफी पूरा सामान उठा के ले गए सर, तो गंभीर बात है। कल से भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, कल विधायक चलने वाला है। जब भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सोई वो कहते हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं एक पद जनजाति के किसी भाई को दे दो मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कम से कम पार्टी से तो चलो, ये तो आपकी पूरे देश से अलग हटके अलग प्रकार की बात है। अब मैं तो आना साथ तो नहीं कह सकता आपको। सर, पुलिस मुख्यालय ने दिल्ली से तुलना नहीं हो सकती हमारे किसी भी शहर की, हमारे भोपाल का बहुत अच्छा है दिल्ली की तुलना में, आप कैसे तुलना कर देंगे दिल्ली से। सर, एक्यूआई सर 100 के ऊपर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए सर कुछ निश्चित रूप से वो जो यंत्र लगाने की बात चल रही है उसे लगा रहे हैं। सर, लगातार पुलिस को लेकर व्यवस्था आपने कर दी है।